खबर बड़वानी से, ग्रामीणों ने पकड़ी अवैध शराब, कहा बार बार शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। एसपी को महिलाओं ने शिकायत, फिर मौके पर पहुंची ठीकरी पुलिस। एसडीओपी ने कहा 14,000 रुपए की शराब जब्त। बड़वानी जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र के बरू फाटक में पुलिस की नाक के नीचे चल रहा अवैध शराब परिवहन। महिलाओं ने कल ही पुलिस पर अवैध शराब के कारोबारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए अवैध शराब की बिक्री बंद करवाने की मांग की। आरोप लगाया था पुलिस कार्रवाई नहीं करती, जिसको लेकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी सरकार और पुलिस प्रशासन की मिली भगत के आरोप लगाए, जिस पर पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने कार्रवाई कर पुलिस की संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात की थी। लेकिन आज फिर ठेकेदार के लोग ग्राम बरू फाटक में ढाबों पर अवैध शराब परिवहन करने आए, जिस पर खेतों में काम कर रही महिलाओं ने ठीकरी पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस नहीं आई, जिस पर ग्रामीणों ने खुद ही शराब पकड़ी और पुलिस अधीक्षक को फोन कर सूचना दी। ठीकरी थाना प्रभारी मौके पर पहुंची। वहीं एसटीओपी कुंदन मंडलोई ने बताया कि महिलाओं ने शराब परिवहन कर रहे लोगों को पकड़कर डायल 100 और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक मोटरसाइकिल और करीब 90 से 95 क्वार्टर और कुछ बियर जब्त की। टोटल शराब 14,000 रुपए की जब्त की गई। मेरा नाम विक्रम चौहान है, पटेलपुरा निवासी हूँ, बरू फाटक मंडलम सेक्टर अध्यक्ष हूँ। ठेकेदार द्वारा शराब की अवैध सप्लाई की जा रही थी, जो शर्मा ढाबे के वहाँ हमने देखा जो माल दे रहा था, उसके बाद हमने गाड़ी का पीछा किया और श्याम ढाबे के वहाँ रोका, तो उसमें करीबन 8,000 से 10,000 का माल था, देसी और विदेशी, और फिर लेडीज़ चौकी को हमने सूचना की, कोई नहीं आया। उसके बाद हमने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, उसके बाद एसपी साहब ने ठिकरी थाने से टीम गठित करके भेजा, उसके बाद माल ले गए, रवाना चले गए थाना प्रभारी। कनासपुरा की रहने वाली छे और मेरा नाम राजल है, और हम खेत में आ रहा और दारू वाला गाड़ी में भर के दारू लाया और यहाँ ला के ढाबा पर खड़ी कर दी। हम काम करता करते देख के दौड़िए और हमारा साथ वाला दो छोरा ने कहा कि दारू लेके दौड़ी रहा, और हमारा साथ वाला गांव में दारू बहुत बिकी रही और बंद नहीं हो रही, और आज वापस चालू हो गई। और साहब हम ठीकरी वाला ने को भी अभी सूचना कर दिया, तो वो लेके चली गया और हमको एक शब्द भी नहीं बोला कि दारू कहाँ से पकड़ी कि कैसा करया, और वो डरावर तो भग गया। कितने दारू थी? दारू कम से कम 10-15 हज़ार की होगा, और वो दारू अभी क्या पता कि बड़वानी जाए कि यहाँ पे ठेके वाला ने कर दी दे पुलिस वाला, पर हमारा तो गांव में ये ना क्षेत्र में दारू नहीं होना। हाँ, मैं रहने वाली यहाँ की आई बर फाटक की, मान नाम राधा भाई, और खेत में काम कर रहा और दारू वाला को पकड़ी ली है, और दो छोरा को हमारा छोरा दो गाड़ी पकड़ी ली दारू की, और कार्रवाई करी तो चौकी कारनी आया तो ठिकरी से आया। आप लोग कहाँ पर थे? आप लोग यहाँ खेत में काम करता थे हम। तो आप लोगों ने कैसे देखा दारू वाला? वो दारू वाला जाता थी गाड़ी लेने, फिर दो छोरा आया हमारा थी पकड़ी लिया उसको। कितनी दारू होगी करीब? होगी 10-15 हज़ार की। क्या आप लोगों ने इसको लेकर कहीं सूचना करी? वो करी सूचना चौकी पर, वो नहीं आया, फिर ठिकरी से आया। बरू फाटक में महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस ने शराब पर कार्रवाई करी, क्या है मामला? हाँ, सुबह आज 100 डायल पे भी और थाना प्रभारी ठिकरी को भी इन्फॉर्मेशन मिली थी, और इन्फॉर्मेशन के बाद में थाना प्रभारी ठिकरी वहाँ पहुँची। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल और करीब 90-95 क्वार्टर और कुछ बियर, जो करीब 40 के आसपास बियर हो सकती है, वो वहाँ पर महिलाओं ने उसे मोटरसाइकिल पर रोक के रखा हुआ था। वो व्यक्ति तो शायद महिलाओं के रोकते ही फरार हो गया था। मोटरसाइकिल एक उसमें जब्त हुई है, करीब 14,000 की शराब है वो जब्त किया है, और मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश करके उसे भी जल्द पकड़ेंगे। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? ये निरंतर जारी रहेगी। इसके पूर्व में भी जो महिलाएं वहां पे थी उनके द्वारा आंदोलन जो किया जा रहा था करामतपुरा में, तो पूर्व में भी वहां पर करीब 4 बार दबिश दी थी, अलग अलग प्रकरण उसके दर्ज हैं, उसमें अगर कोई आदतन अपराधी है तो उसके बारे में भी पता करके आगे की कार्रवाई जो की जाती है, 110 की और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उसकी भी प्रोसेस में है। पर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।